इन्फोफिटी टीवी के मौजीन अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे बार भरोसा के आने वाले एपिसोड के बारे में। नाज़रीन, एक नज़र दरवेश की हालात बदल देती है। खिजिर शदीद ज़ख्मी हो गया है। खिजिर के सीने पर किसका हाथ है? इज़ाबेल का भाई गद्दार हो गया। तो नाज़रीन, तफसील से बात करते हैं, लेकिन तफसील से कबल अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दरख्वास्त है आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको इन्फोफिटी टीवी की तमाम वीडियोज़ तक रसाई हासिल हो सके। नाज़रीन, पिछली किस्त में कुछ ऐसे भी मनाज़िर थे जो यकीनन आपको पसंद आए होंगे। मसीह पाशा की एंट्री होना और मसीह पाशा का उरूज के खिलाफ सजाए मौत का ऐलान करना। यहाँ पर फिर उरूज की समझदारी काम आई और उसने सबूत और दलाइल के साथ आराबाई के कत्ल का फैसला अपने हक में करवा लिया। तो नाज़रीन, बात करते हैं सबसे पहले दरवेश की। पितरों ने जादू या हिप्नाटिज्म जैसी कोई चीज़ से मरियम पर दिमागी कंट्रोल करना चाहा, जो कि किसी हद तक हुआ भी, जिसकी वजह से मरियम ने पहले जासूसों को पकड़वाया फिर खिजर पर वार भी कर दिया। लेकिन जैसे ही दरवेश की नज़र मरियम पर पड़ी, उस एक नज़र ने जादू या हिप्नोटिज्म जो भी था उसका असर ख़त्म कर दिया। यानी एक दरवेश की नज़र कितनी ताकतवर होती है जो हालात बदल कर रख देती है, ये यकीनन हमें बारबरोसा की पिछली वीडियो में देखने को मिला। नाज़रीन, खिजर रईस ज़ख्मी है और वो यकीनन बच जाएगा। बात करते हैं खिजर के ख्वाब की, जो कि खिजर बेहोशी के हालत में देख रहा है। ख्वाब में किसकी आमद होती है, इस बारे में हमारी दो राय हैं। एक, खिजर के ख्वाब में आने वाली शख्सियत खिजर के वालिद हैं, जो कि मदली का दिफा करते हुए शहीद हो गए थे और वो खिजर के ख्वाब में हैं। दूसरी राय के मुताबिक ख्वाब में आने वाली शख्सियत सुल्तान मोहम्मद खान फ़ातेह हैं, जिसके बारे में हमें 80% यकीन है। नाज़रीन, आखिर में बात करते हैं इज़ाबेल की, जिसका बाप तो गद्दार था ही, अब भाई भी उन्हीं तक वफ़ादार निकला, जिसको आज़ाद कराने के लिए इज़ाबेल ने बहुत कोशिश भी की, बहुत सारे लोगों का उसने साथ भी दिया। तो नाज़रीन, मार्टिन की वजह से उरूज और खिजर का मनसूबा बुरी तरह नाकाम हो चुका है और मार्टिन ही की वजह से खिजर मरते मरते बचा है और पीरी रईस के सिपाही जो कि जासूस थे उनकी भी शहादत हो सकती है, जो कि एक गमगीन सीन होगा। और दूसरी तरफ मसीह पाशा भी यकीनन अब उरूज पर और ज़्यादा दबाव डालेगा और ये भी हो सकता है कि मसीह पाशा खुद कुछ गलतियां करे और आखिर में वो भी उरूज के खाते में डाल दे। नाज़रीन, मज़ीद तफसील से अगली वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे बहुत जल्द एक न्यू वीडियो में। तब तक अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।